तो दोस्तों ये है कॉफे कंपनी का 4G वाईफाई डिवाइस जिसके अंदर आप सिम कार्ड लगाकर इंटरनेट से आराम से आपका पीसी मोबाइल सब कुछ चला सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉफे कंपनी का 4G डिवाइस, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे और किस तरह से इसे सेटअप करना है पूरा डिटेल में आपको बताना है। और सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर कुछ डिटेल देख सकते हैं इसके ऊपर, तो अब हम इसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर से बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मिल जाती है, जिसके अंदर एक तो यहाँ पर सबसे पहले है पावर केबल जो कि यहाँ पर 5 वोल्ट DC से चलती है। दोस्तों USB से आप इसे आराम से चला सकते हो या फिर मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हो। और दोस्तों ये है हमारा डिवाइस जो कि यहाँ पर कॉफे का ब्रांडिंग है और कुछ इस तरह के लुक में दोस्तों काफ़ी कूल एक छोटा सा डिवाइस है। यहाँ पर सिम का स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको आप देख सकते हो 12 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट DC तक का यहाँ पर जो है वो पावर लगा सकते हो। यहाँ से हमें एक मिलता है लैन का आउटपुट, और साइड में कुछ इसकी डिटेल है, पासवर्ड वगैरह लिखे हुए हैं। और इसके साथ में दोस्तों हमें मिलता है एक लैन केबल जो कि एक छोटा सा लैन केबल हमें इसके साथ में मिलता है, अगर इससे यहाँ पर PC से कनेक्ट करना है तो हम आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो सिम कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका सेटअप कैसे करना है वो भी दिखा दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो आपका सिम जो है वो यहाँ पर से लग जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पर से आपको उसके बाद अगर आपको इस डिवाइस को 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट से चलाना है तो आप डायरेक्ट USB पोर्ट में USB को लगा सकते हो या फिर आप मोबाइल चार्जर का जो एडेप्टर है उसके साथ इसे लगा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों लैन केबल लगेगा, यहाँ पर से अगर आपको PC में डायरेक्ट कनेक्ट करना है लैन केबल तो वहाँ पर आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है वो मोबाइल चार्जर के साथ इसे कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों इसका पासवर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका जो है 128 यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। अब इसका कन्फिग्रेशन करने के बाद हमें यहाँ पर इसका इंटरनेट जो कि ऑन होगा, तो सबसे पहले आप अपने PC या फिर मोबाइल के अंदर जाइए, यहाँ पर से जो है वाईफाई आपको यहाँ पर से कॉफे का एक नज़र आएगा उसको कनेक्ट कर लीजिए। तो कनेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर से 1 से 8 पासवर्ड है जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर से इसका एडमिन का सेटिंग ओपन करना है जो कि कुछ इस तरह से आपको ओपन होगा। ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर लिंक में आपको नज़र नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, स्क्रीन पर भी मैं आपको नज़र आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्ट स्टेटस में यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ है, यानी कि हमारा इंटरनेट जो है वो चल रहा है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर से आप वाईफाई सेटिंग कर सकते हो, यानी कि अगर इसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई भी है, अगर वाईफाई को आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है या फिर इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पर से वाईफाई का सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4G मेन डिवाइस इसको नाम दे रहा हूँ अभी, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड यहाँ अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो वाईफाई होंगे वो आप दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे आसानी से। और बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आपके मोबाइल सिम कार्ड के अंदर इंटरनेट का पैक एक्टिवेट है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अगर आप सिम कार्ड लगाते हैं तो आपका इंटरनेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वाईफाई का सेटअप भी कर लिया है, अगर हम इससे दूसरा कोई राउटर सेटअप करना चाहे यानी कि दूसरा राउटर कनेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वो सेटिंग जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वो सेटिंग कैसे करना है। ठीक है, बाकी इस आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कॉफे कंपनी का 4G डिवाइस जो कि आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर आप सिम कार्ड से इंटरनेट चलाना चाहते हैं, PC या फिर अपने घर में और मोबाइल को वाईफाई से चलाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह का डिवाइस को खरीद सकते हो। ठीक है, तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बाकी नए नए वीडियो देखने के लिए JK Tech Info YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें ताकि वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।